अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान मंसूर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी बजट फैमिली। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ओके। हमारी ग्रोसरी लिस्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं विच आर नॉट हेल्दी फॉर अस और हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, और उनमें कोई फूड वैल्यू नहीं होती, और ये प्रोडक्ट्स हमारी नीड नहीं, हमारी वॉन्ट होते हैं। प्रोडक्ट्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करूंगा जो हमारी ग्रोसरी लिस्ट का पार्ट होने चाहिए और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, दैट इज़ शहद, हनी की बात करेंगे। जब भी शहद का नाम लिया जाता है तो नॉर्मली लोगों के जहन में दो सवाल आते हैं। एक तो ये कि इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, और सेकेंडली इसका कि प्योर शहद कहाँ से मिलेगा। पहले सवाल पर आते हैं, येस इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, बट आप इस चीज़ को अगर समझें कि जो हम लोग वही कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और बिस्किट्स जो कि हम लोगों को चाहिए नहीं है, बस टेस्ट के लिए और हमने वांट की बेस के ऊपर जो हम परचेज़ कर रहे हैं, अगर हम उनको छोड़ दें और हम उसकी जगह शहद को ऐड कर लें, तो एक तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, सेकेंडली हो सकता है कि शहद थोड़ा सा महंगा हो तो आपको थोड़ी अमाउंट डाल के, डिफरेंस डाल के वो चीज़ आप हेल्दी प्रोडक्ट खरीद लेंगे, या ये भी हो सकता है कि आप उन चीज़ों की जगह जब शहद खरीदें तो अमाउंट इक्वल ही हो। तो इस तरह सोच के साथ हमें चलना है फ्यूचर में। हम लोग ने बजट में रह के हेल्दी प्रोडक्ट्स अपनी लिस्ट में डालने जो हमारी हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और अच्छे भी हैं। दूसरी बात जो मैं करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बिल्कुल चीनी को छोड़ के शहद को अपने हर चीज़ में डालना शुरू कर दें। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट, शहद इज़ दी बेस्ट थिंग, बट मोस्टली लोग आपकी मेरी तरह नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट वंस या ट्वाइस अ डे एक टीस्पून ही हो आपकी डेली रूटीन में शहद पार्ट होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ कि तकरीबन 90-95% पाकिस्तानी सुबह उठ के चाय पीते हैं, तो उसमें चीनी के बजाय अगर हम लोग एक टीस्पून शहद डाल लें तो वो हेल्दी भी होगा। सिमिलरली शाम की चाय इस तरह बहुत से लोग पीते हैं, उसमें अगर वो डाल लें, या जिसका मैं करता हूँ कि ऑफिसेज़ में हम लोग बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं और चाय पीते हैं, तो मैंने अपने पास एक छोटी शहद की बोतल रखी हुई है। मेरा कभी चाय का दिल करे, इवन कॉफ़ी का दिल करे, तो मैं चीनी के बजाय एक टीस्पून जो शहद डाल लेता हूँ। तो मुझे पता है कि यार, मैं अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो मैं कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खा रहा बुरी जो मेरी हेल्थ को अफेक्ट करे, इनफैक्ट मैं अच्छी चीज़ अपने अंदर लेके जा रहा हूँ। तो इस सोच को अपने डेली रूटीन में लेके आएँ और आपकी हेल्थ को इस तरह मेंटेन करें। सेकेंड पॉइंट पर आता हूँ कि प्योर शहद कहाँ से मिलेगा। अभी मैं आपको प्योर शहद को चेक करने के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कि जो शहद आप ख़रीद रहे हैं वो प्योर है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, जितने भी ग्रोसरी आप जब भी शहद लेने जाएं, ग्रोसरी स्टोर में शेल्फ पे जितने शहद पड़े हैं, अगर किसी शहद की बॉटल पे एक्सपायरी डेट है तो मेरे ख्याल में वो प्योर नहीं है, क्योंकि शहद की कोई एक्सपायरी नहीं होती, वो सालों साल पड़ा रहे, उसे कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में वो शहद के ब्रांड्स जिनके ऊपर एक्सपायरी लिखी है, मेरे ख्याल में उनको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड तरीका जिससे आप चेक कर सकते हो कि शहद प्योर है या नहीं है, वो ये है कि अगर तो कंटेनर के पीछे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं शहद के, तो मेरे ख्याल में वो प्योर नहीं है, क्योंकि प्योर हनी का इंग्रेडिएंट इज़ प्योर हनी। उसमें कोई उसकी इंग्रेडिएंट्स मिला के नहीं बनाया जाता, उसकी सर्विंग में या न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंशन हो सकती है, बट इंग्रेडिएंट उसमें कोई नहीं मेंशन होगा। जो मार्केट में कॉपी मिल रहे हैं वो मोस्टली जो हैं आपके वाटर बेस्ड सर्टन केमिकल्स मिक्स करके वो बना के बेच रहे हैं। तो अगेन, अगर इस तरह की कोई चीज़ मेंशन है तो अवॉइड दैट एज़ वेल। तीसरी चीज़ जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी प्योर हनी क्रिस्टलाइज नहीं होता। ये गलत बात है, प्योर हनी क्रिस्टलाइज होता है। आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं, गूगल करें, आपको डिटेल भी मिल जाएगी। प्योर हनी क्रिस्टलाइज होता है। आपकी बाकी दो क्राइटेरियन जो मैंने पहले बताए फुलफिल हो रहे हैं और आप देखें जी कि ये जमा हुआ है तो ये तो प्योर नहीं हो सकता, नहीं, प्योर हो सकता है, और बल्कि प्योर होता है, प्योर हनी क्रिस्टलाइज होता है। तो ये मिसकंसेप्शन अपने जहन से निकालें। चौथा पॉइंट ये है कि आप नॉर्मल थोड़ा सा वार्म वाटर ग्लास में लें और उसमें एक चम्मच शहद को डालें, मिक्स ना करिएगा। अगर तो शहद नीचे बॉटम पे बैठ जाता है तो दैट मींस कि ये प्योर है, क्योंकि और अगर नहीं बैठता, खुद ही मिक्स हो जाता है विदाउट यू मिक्सिंग इट, तो दैट मींस इट इज़ नॉट प्योर। प्योर शहद को जब तक आप मैन्युअली खुद मिक्स नहीं करेंगे वो नीचे बैठा रहेगा, मिक्स नहीं होगा। तो ये एक तरीका है चेक करने का।
पांचवा तरीका जो इसको चेक करने का ये है, जो कि मैं आके आपको करके भी दिखाऊंगा। आपके पास माचिस अगर हो तो जो एक तीली निकालें और उसकी माचिस की तीली की जो मसाले वाली साइड है जो बर्न करते हैं हम, उसको शहद के अंदर डिप करें। डिप करने के बाद उसको निकालें और दूसरी माचिस से उसे आग लगाएं। अगर तो वो जगह बर्न होनी शुरू हो जाती है और आग पकड़ लेती है, दैट मीन्स इट इज़ प्योर। अगर वो नहीं पकड़ती आग, दैट मीन्स इट इज़ नॉट प्योर। वो क्यों नहीं पकड़ेगी? क्योंकि बाज़ार में वाटर बेस्ड सॉल्वेंट के साथ शहद बना के आर्टिफिशियल बेचे जा रहे हैं, जिसमें पानी होगा वो मसाले को गीला कर देगी और वो आग नहीं पकड़ेगी। तो इससे पता चल जाएगा कि ये प्योर नहीं है। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोग देख के शहद जो है चेक कर सकते हैं प्योरिटी और प्योर नहीं है। अच्छा, इसके बाद सवाल आता है कि शहद ख़रीदा कहाँ से जाए। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ अप नॉर्थ, और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं जहाँ पे फार्म्स बने हुए हैं शहद के, वहाँ से मैं जाके शहद ख़रीदता हूँ। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है जी कि वो लोग गुड़ चटाते हैं। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि लोग गुड़ चटाते हैं मक्खियों को और शहद उससे बनता है, और वो प्योर उस तरह नहीं होता जिस तरह के फूलों से लिया हो। अब मैं जहाँ से जाके शहद लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर मैं गया था पंधार वैली, यासीन वैली। एक बात बता दूँ, इसके ऊपर भी मैं फ्यूचर में वीडियो बना के आपको बताऊँगा, ट्रैवलिंग टिप्स भी दूंगा, और इनफैक्ट अपना पंधार यासीन वैली वाला ट्रिप भी आपसे शेयर करूँगा। खैर, तो मैं पंधार यासीन वैली गया, वहाँ पे फार्म बने हुए हैं और उधर फूल ही इतना है कि उधर उन्हें गुड़ चटाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरह के फूल पे शहद की मक्खी बैठेगी, उस तरह का शहद का टेस्ट भी होगा। खैर, तो मैं उधर से जाके अपना साल पूरे का स्टॉक ले आता हूँ। वो रिलेटिवली मुझे थोड़ा सस्ता पड़ता है इधर से, बट मुझे पता है कि वो प्योर है। इसमें अब एक चीज़ ये है कि जैसा इस साल मैं नहीं जा सक रहा कहीं भी, क्यों, क्योंकि कोरोना है तो मैं नहीं ट्रैवलिंग करूँगा इस साल, तो मेरा स्टॉक तो ख़त्म हो गया। तो अब मैं क्या करूँ, मैं किधर से शहद लूँ? तो मैं एक ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन कंपनी है जो कि शहद डिलीवर करती है। मैं बात कर रहा हूँ सिंपली द ग्रेट फूड वालों की। मेरे ख्याल में दीज गाइज वर द अमंग्स द फर्स्ट वंस जिन्होंने शहद जो है ऑनलाइन बेचना शुरू किया, और मैंने इनका शहद पहले भी यूज़ किया, और मेरे पास जब स्टॉक ख़त्म होता है तो मैं इन्हीं का शहद यूज़ करता हूँ। मैं क्यों इनका शहद यूज़ करता हूँ? सबसे पहले तो ये है कि मैंने इस पे वो सारे टेस्ट किए हुए हैं जो मैंने आपको भी बताए। मैं अभी इस पे आपको माचिस वाला करके भी दिखाऊंगा, और वो इस सारे टेस्ट इनके शहद ने पास किए हैं। सेकेंडली, इनकी लेबॉरेट्री से ये रजिस्टर्ड हैं, जिधर इनके सैम्पलिंग होती है जाके, और वहाँ से इनके हनी की प्योरिटी की स्टैम्पें लगती हैं। मैं इनकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, आप चेक करें। दूसरी बात ये है कि येस, इट इज़ एक्सपेंसिव देन द वन आई गेट फ्रॉम द फार्म, बट आप ये देखें, मैं उधर खुद जाके लेता हूँ, इसकी लॉजिस्टिक्स पैकिंग वगैरह करूँ तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट इसकी तरह के और बहुत सी कंपनीज आ गई हैं ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप इसी को ख़रीदो, बट मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा है, इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो जो ऑनलाइन सब्सिट्यूट कंपनीज आई हैं, वो सारी जो हैं इनसे एक्सपेंसिव हैं। तो अगेन, उस लिहाज से मैं इनको प्रेफर करता हूँ। मैं इनका ये ऑर्गेनिक हनी यूज़ करता हूँ, दिस इज़ अमंग द चीपेस्ट वन। ये तकरीबन 550 की बॉटल है, 400 ग्राम की, तो तकरीबन 1200 रुपये का आपको किलो या लीटर जो भी आप कह लें आपको मिल जाता है, और ये ठीक प्राइस है, यानी मेरे ख्याल में ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो मैं इनके हनी को यूज़ करता हूँ। प्लस इन लोगों का यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, उसको देखें। ये एजुकेट भी करते हैं आपको प्रोडक्ट के बारे में, और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते भी हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग प्रोडक्ट्स, इनके फार्म्स कहाँ कहाँ पे हैं, और कहाँ कहाँ से ये शहद एक्सट्रैक्ट करके पैकेजिंग करके कर रहे हैं। ये दुबई में भी इनका मेरे ख्याल में सेटअप है। सो इस लिहाज से मैं आपको कहूँगा कि एक दफ़ा इसको ट्राई करें, जो आप लोग नॉर्मल बाज़ार से लेते हैं उससे तो बेहतर, और ये प्योर शहद है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये शहद का वो माचिस वाला टेस्ट जो है, माचिस लेते हैं। ये माचिस है, इसको मैंने इसमें डिप किया। अब मैं इसको आग लगाता हूँ। ये माचिस है, और
पकड़ ली इसने आग। तो ये तरीका है चेक करने का कि शहद प्योर है या नहीं है। आपके सामने मैंने करके दिखाया तो इट क्वालिफाइज फॉर दैट। तो वापस प्रोडक्ट पे आते हैं। इनके बहुत से फ्लेवर्स भी हैं, वो भी आप, मैं वेबसाइट का जो लिंक दूंगा उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं जो सूट आपको करता है आप वो यूज़ करें। इनके इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऑयल एक्सट्रैक्ट्स हैं, फ्लावर के कुछ एक्सट्रैक्ट्स वगैरह वो भी ये लोग ऑफ़र करते हैं। मैं इनके प्रोडक्ट क्वालिटी से सेटिस्फाइड हूँ और इनका प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है, और हमारी डेली रूटीन में इस तरह के हेल्दी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आई होप। एक और बात मैं आपको बताऊं कि शहद तो इटसेल्फ अच्छा है ही, कोशिश करें जब भी आप शहद ख़रीदते हैं तो उसका वैक्स जो होता है, हनीकॉम जिसे कहते हैं, वो भी साथ ख़रीदें। हनीकॉम के बहुत से फ़ायदे हैं, स्पेशली अगर आपके घर में अल्लाह ना करे कोई ऐसा पेशेंट है जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो उसकी छोटे छोटे बॉल्स, गोलियां या टॉफ़ीज टाइप बना के वो जो जिसको अस्थमा है वो खाए, तो अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा है और ये तिब का पार्ट भी है, तिब नबी का। तो अपनी शहद ख़रीदते वक्त थोड़ा सा हनीकॉम भी उसमें डलवा लिया करें। फार्म हाउसेस पे तो ये चीज़ें मिल जाती होती हैं जो हनी के होते हैं, बाकी ओपन मार्केट में ये जो मैंने आपको इनका बताया ये भी इनिशियली देते थे, बट इनसे आपको चेक करनी पड़ेगी सिंपली ग्रेट फूड वालों से कि अभी उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर होती है तो वो भी वो लोग दे देते होते हैं। तो वो भी अपने अगर आपको अल्लाह ना करे है भी नहीं भी है, तब भी आप वो छोटा छोटा बॉल्स बना के खाते रहा करें। अगेन रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये, तो इसको भी यूज़ किया करें अपने डेली रूटीन में। लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर आपको ये पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फ्यूचर में भी मैं इस तरह के आपके लिए बहुत से प्रोडक्ट्स लेके आऊँगा। एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोगों को रिसर्च की आदत नहीं है, रिसर्च करना सीखें, थोड़ा सा पढ़ना सीखें, और हम लोग इस तरह अपनी ग्रोसरी लिस्ट में हेल्दी प्रोडक्ट्स को लेके आना शुरू करें। आप लोग इतनी मेहनत करके एक बजट के अंदर अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हम सारे पूरी करते हैं। एक रिक्वायरमेंट हेल्थ भी है, और हेल्थ के लिए अच्छा इनटेक ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें अपनी लिस्ट में डालें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अगेन आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू चेक आउट द प्रोडक्ट और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज़ यूज़ुअल। टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।